जहां एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सफाई अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कृष्ण नगरी मथुरा में सामने आया है, जहां पशु चिकित्सालय के हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं और साथ ही डॉक्टरों की लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल मामला राया थाना इलाके का है, जहां तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से पशु चिकित्सालय में सीएम योगी आदित्यनाथ के वादों की धज्जियां उड़ती साफ नजर आ रही है। जहां पशु चिकित्सालय कूड़े कचरे में तब्दील होता जा रहा है, वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पशु चिकित्सालय पर डॉक्टर भी 2 घंटे के लिए बैठते हैं और उसके बाद गेट का ताला लगाकर चले जाते हैं, और कहा कि डॉक्टरों से भी ग्रामीण पशु चिकित्सालय में फैली गंदगी को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती। इसमें ऐसा 2 घंटे के लिए डॉक्टर आता है और यहाँ से चला गया। पशुओं की जांच वगैरह होती है? पशुओं की जांच वगैरह कुछ नहीं करते। दवा वा देते हैं या नहीं देते हैं? दवा वा तो मैंने तो कभी देखा नहीं, ये क्या उसमें जाती है, वो भी प्राइवेट डॉक्टर बहुत है, उनके पास तो आता है कोई। डॉक्टर 2 घंटे के लिए बैठने आता है बस यहाँ पर? 2 घंटे में। बहरहाल इतने ज्ञापन और धरना प्रदर्शन के बाद भी पशु चिकित्सालय में फैली गंदगी प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही को उजागर कर रही है। अब देखना होगा कि कब तक लोगों को पशु चिकित्सालय में लगी गंदगी के अंबार से निजात मिलती है।